अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू गाइस, उम्मीद है कि आप ईमान और तक्वा की बेहतरीन हालत में होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कुर्बानी के मसाइल, यानी कि इसमें हम जानेंगे कुर्बानी के मसाइल, अहकाम कुर्बानी, कुर्बानी कैसे होती है, कैसे कैसे जानवर की कुर्बानी हो सकती है, अगर जानवर में खुदा नखास्ता कोई मसला हो जाए तो हम उसकी कुर्बानी कैसे करेंगे, उसकी कुर्बानी होगी या नहीं, और कुर्बानी का गोश्त किन किन को हम दे सकते हैं, और कुर्बानी हम कितने दिन कर सकते हैं। इस तरह के सारे मसाइल आप इस वीडियो में जानेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मखसूस जानवरों को मखसूस दिनों में यानी 10वीं ज़िलहज्जा से 12वीं ज़िलहज्जा तक तकर्रुब इलल्लाह और सवाब की नियत से ज़िबह करना कुर्बानी है। तकर्रुब इलल्लाह यानी कि अल्लाह की तरफ करीब होना, यानी हम अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाएं, और सवाब की नियत से ज़िबह करना कुर्बानी है। यह कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी का हुक्म दिया गया। इरशाद बारी तआला हुआ, फ़सल्ली लिरब्बिका वन्हर, तो तुम अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो। कुर्बानी एक अहम माली इबादत भी है और शायर इस्लाम से है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद हिजरत 10 साल तक मदीना तैयबा में क़याम फरमाया और हर साल कुर्बानी फरमाते रहे, जिससे मालूम हो कि कुर्बानी सिर्फ मक्का मुअज़्ज़मा ही के लिए मखसूस नहीं बल्कि इस शख्स पर है जो साहिब निसाब हो, चाहे कहीं भी रहता हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है। मुनकरीन हदीस का नाम निहाल मुसलमान टोला जो इस माली इबादत पर एतराज़ करता है कि इस पर बेइंतहा पैसा खर्च होता है, लिहाजा इसके बजाय फलाही उमूर मसलन मोहताज खाने, शिफा खाने वगैरह बना देना चाहिए, एतराज़ बिल्कुल लग़्व है। फिर तो हज जैसी अहम माली इबादत भी जो शायर इस्लाम से है, उसको भी ये कहकर ख़त्म किया जा सकता है कि लाखों रुपए हर साल हज पर खर्च होते हैं, लिहाजा बजाय हज के फलाही उमूर और रिफा आमा पर खर्च कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सिर्फ ये कहना कि कुर्बानी हज के मौके पर मक्का मुअज़्ज़मा में ही हो सकती है गलत है। अलबत्त सिर्फ हज की कुर्बानी बेशक मक्का मुअज़्ज़मा ही के साथ ख़ास है, लेकिन ईदुल अज़हा की कुर्बानी हर मालिक निसाब पर वाजिब है, ख्वाह वो कहीं भी हो। कुर्बानी अहादीस की रोशनी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौमुन नहर यानी कि 10वीं ज़िलहज्जा में इब्ने आदम का कोई अमल खुदा के नज़दीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं, और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग, बाल और खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले खुदा के नज़दीक कबूल हो जाता है, लिहाजा इसे खुश दिली से करो। अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा। नंबर 2, सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लोगों ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इसमें क्या सवाब भी है? फरमाया, हर बाल के बराबर नेकी है। अर्ज़ की, ऊन का क्या हुक्म है? फरमाया, ऊन के हर बाल के बदले में भी नेकी है। सुभान अल्लाह। नंबर 3, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में 10 साल रहे और इस अरसे में भी आपने हर साल कुर्बानी फरमाई। मिशकात, तिर्मिज़ी। नंबर 4, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खुशदिली से तालिब सवाब होकर कुर्बानी की वो आतिश जहन्नुम से हिजाब हो जाएगा, यानी कि रोक दिया जाएगा। अगर से मसाइल स्टार्ट होते हैं। मसला नंबर 1, शहर में कुर्बानी की जाए तो शर्त यह है कि नमाज ईद के बाद हो, लिहाजा नमाज ईद से पहले कुर्बानी नहीं हो सकती। गांव में ये शर्त नहीं, लिहाजा गांव में सुबह सादिक के बाद से कुर्बानी हो सकती है क्योंकि गांव में नमाज ईद नहीं। मसला नंबर 2, वक्त से पहले कुर्बानी नहीं हो सकती। अगर किसी ने वक्त से पहले कुर्बानी की तो कुर्बानी नहीं हुई, लिहाजा दोबारा कुर्बानी करे, और वक्त गुजरने के बाद भी कुर्बानी नहीं हो सकती, लिहाजा आप कुर्बानी का जानवर या उसकी कीमत सदका कर दे। मसला नंबर 3, कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी करना ही लाजिम है, कोई दूसरी चीज़ उसके कायम मकाम नहीं हो सकती। मसलन बजाय कुर्बानी के लाखों रुपए सदका कर दे, ये काफ़ी नहीं। मसला नंबर 4, शराइत का पूरे वक्त में पाया जाना ज़रूरी नहीं बल्कि कुर्बानी के लिए जो वक्त मुकर्रर है उसके किसी हिस्से में शराइत का पाया जाना वजूब के लिए काफ़ी है। मसलन एक शख्स इब्तदाई वक्त में फ़कीर था और कुर्बानी के दिनों में मालदार हो गया, या मुसाफिर था मुकीम हो गया, या गैर मुस्लिम था मुस्लिम हो गया, नाबालिग था बालिग हो गया, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी के जानवर और उनकी उम्रें। कुर्बानी के जानवर 3 किस्म के हैं, ऊँट, गाय, बकरी, हर किस्म में उसकी जितनी नौएँ हैं सब शामिल हैं। नर, मादा, खसी सबका एक हुक्म है, यानी सबकी कुर्बानी हो सकती है, चुनाचा भैंस और बैल गाय में शुमार हैं, भेड़ और दुम्बा बकरी में शामिल हैं। जानवर की उम्रें। कुर्बानी के जानवरों की उम्रें यूँ होनी चाहिए, ऊँट 5 साल, गाय 2 साल, बकरा बकरी 1 साल। इससे कम उम्र हो तो कुर्बानी जायज़ नहीं, ज़्यादा हो तो जायज़ है बल्कि अफजल है। अलबत्त दुम्बा या भेड़ 6 माह का हो लेकिन इतना फरबा हो कि देखने में साल भर का मालूम हो तो इसकी कुर्बानी जायज़ है। वो जानवर जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं, अंधा हो, काना हो,
यानी जिसका कानापन ज़ाहिर होता हो, रिहायशी ज़्यादा नज़र जाती रही हो, लागर यानी कमज़ोर हो, उसकी हड्डियों में मगज़ ना हो, लंगड़ा हो, जो कुर्बान गाह तक अपने पाँव से चल कर ना जा सके, बीमार के इसकी बीमारी ज़ाहिर होती हो, यानी कि ऐसा बीमार हो कि उसकी बीमारी मालूम होती हो, नज़र आती हो, कान दुम चक्की तिहाई से ज़्यादा कटे हुए हों, पैदाइशी कान ना हो, पैदाइशी एक कान हो, दांत ना हो, थन कटे हों या खुश्क हों, नाक कटी हो, इलाज के ज़रिए दूध खुश्क कर दिया गया हो, खुनसा जानवर जिसमें नर और मादा दोनों की अलामतें हों, और वो जानवर जो सिर्फ गलीज़ खाता हो, यानी कि गंदी चीज़ें खाता हो, एक पाँव उसका काट लिया गया हो, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं है जिसका एक पाँव जो है वो टूट गया हो या काट लिया गया हो, इस हद तक जुनून हो कि वो चरता भी ना हो, यानी कि इस हद तक वो ज़िद्दी और पागलपन का वो हो, जुनूनी हो कि वो खाना भी नहीं खाता हो, सींग जड़ से उसका जिसका टूट गया हो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं, ऐसे जानवर जिनकी कुर्बानी जायज़ है, भेंगा हो, जिसकी नज़र तिहाई या तिहाई से कम जाती रही हो, जिसमें मामूली जुनून हो यानी चर लेता हो, जिसे ख़ारिश हो मगर फरबा हो, चक्की दुम या कान तिहाई या इससे कम कटे हों, कान छोटे हों, खसी हो, भेड़िया या दुम्बे की ऊन काट ली गई हो, दागा हुआ हो, जिसके दूध ना उतरता हो, गाय या ऊँटनी का सिर्फ एक थन बजरिए इलाज खुश किया गया हो, लंगड़ा जानवर जो चलने में लंगड़े पाँव से मदद लेता हो, जिसकी चक्की छोटी हो, जिसका सींग मींग से कम टूटा हो, तो इन सब सूरतों में कुर्बानी जायज़ है। कुर्बानी के जानवर में शिरकत, गाय और ऊँट में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं, लेकिन शुरका में अगर किसी शरीक का हिस्सा 7वें से कम हो तो किसी की कुर्बानी नहीं होगी, हाँ 7वें हिस्से से ज़्यादा की हो सकती है। मसलन गाय या ऊँट की 6 या 5 या 4 अफराद की तरफ से कुर्बानी हो तो हो सकता है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि सबके हिस्से बराबर हों, यानी अगर कोई ज़्यादा पैसे दे दे और कोई कम दे दे लेकिन 7वें हिस्से से कम ना हो तो फिर जायज़ है। गाय या ऊँट के शुरका में से कोई एक भी काफिर या बेदीन या बद मजहब हो, या इनमें से किसी का मकसूद कुर्बानी नहीं बल्कि गोश्त हासिल करना हो, तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। अय्यामुन नहर गुजर गए और जिस पर कुर्बानी थी उसने नहीं की तो कुर्बानी फोत हो गई, अब नहीं हो सकती। कुर्बानी के दिन गुजर गए और उसने कुर्बानी नहीं की और जानवर या उसकी कीमत को सदका नहीं किया, यहाँ तक कि दूसरी बकर ईद आ गई, अब ये चाहता है कि गुज़िश्ता साल की कुर्बानी करे, तो ये नहीं हो सकता, बल्कि अब भी वही हुक्म है कि जानवर या उसकी कीमत सदका करे। जिस जानवर की कुर्बानी वाजिब थी अय्यामुन नहर गुजरने के बाद उसे बेच डाला, तो उस रकम का सदका करना वाजिब है। कुर्बानी के वक्त जानवर उछला कूदा जिसकी वजह से ऐब पैदा हो गया तो कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी का जानवर मर गया तो गनी पर लाजिम है कि दूसरे जानवर की कुर्बानी करे, और फ़कीर के ज़िम्मे दूसरा जानवर वाजिब। जानवर गुम हो गया या चोरी हो गया और इसकी जगह दूसरा खरीद लिया तो अब पहला मिल गया, तो गनी को इख्तियार है कि दोनों में से जिसको चाहे उसकी कुर्बानी करे, और फ़कीर पर वाजिब है कि दोनों की कुर्बानी करे, मगर गनी ने दूसरे जानवर की कुर्बानी की और उसकी कीमत पहले से कम है, तो जितनी कमी है उतनी रकम का सदका करे। हाँ, अगर पहले को भी कुर्बान कर दिया तो अब सदका वाजिब ना रहा। शुरका ने कुर्बानी के लिए गाय खरीदी और उनमें से एक शरीक का इंतकाल हो गया। मरहूम के वरसा ने अगर शुरका से कह दिया कि तुम इस गाय को अपनी तरफ से और उसकी तरफ से कुर्बानी करो, और उन्होंने कर ली तो जायज़ है, और बग़ैर इजाज़त वरसा इन शुरका ने कुर्बानी की तो किसी की ना हुई। अय्यामुन नहर की दोनों रातों में कुर्बानी हो सकती है, मगर रात में ज़िबा करना मकरूह है। कुर्बानी का जानवर मुसलमान से ज़िबा कराना चाहिए। अगर किसी मजूसी, काफिर, मुशरिक, हिंदू, बेदीन या मुर्तद से कुर्बानी का जानवर ज़िबा कराया तो कुर्बानी ना हुई बल्कि ये जानवर हराम और मुर्दार हो गया। कुर्बानी का गोश्त काफिर, हिंदू, मुर्तद, बेदीन और भंगी को ना दें। कुर्बानी अगर मन्नत है तो इसका गोश्त ना खुद खा सकता है और ना गनी को खिला सकता है, बल्कि इसका सदका कर देना वाजिब है, अगरचे मन्नत मानने वाला फ़कीर हो, खुद नहीं खा सकता। मैयत की तरफ से कुर्बानी की तो इसका गोश्त खुद भी खा सकता है और दूसरे को भी दे सकता है, और अगर मैयत ने वसीयत की थी कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना तो इसका गोश्त नहीं खाएगा बल्कि सारा गोश्त सदका कर देगा। कुर्बानी की खाल या गोश्त कसाई को उजरत में नहीं दे सकते। कुर्बानी की और उसके पेट में ज़िंदा बच्चा है तो उसे सदका कर दें या उसे भी ज़िबा कर दें, और मरा हुआ बच्चा है तो उसे फेंक दें कि मुर्दार है, कुर्बानी हो जाएगी। कसाई के साथ दूसरे ने जानवर ज़िबा करवाया और ख़ुद अपना हाथ भी छुरी पर रख दिया कि दोनों ने मिलकर ज़िबा किया, तो दोनों पर बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है, और एक ने भी कसदन अगर छोड़ दिया ये ख्याल करके कि दूसरे ने पढ़ ली है, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है, तो दोनों सूरतों में जानवर हराम है। साहिब निसाब ने कुर्बानी की मन्नत मानी तो उसके ज़िम्मे 2 कुर्बानियाँ वाजिब हो गईं, एक वो जो गनी पर वाजिब होती हैं और एक मन्नत की वजह से। जितनी कुर्बानियों की मन्नत मानी सब वाजिब हैं। कुर्बानी करनी हो तो मुस्तहब ये है कि पहले से 10वीं ज़िलहज्जा तक ना हिजामत
बनवाए और ना नाखून कटवाए। मुस्तहब यह है कि कुर्बानी का जानवर खूब फरबा हो और खूबसूरत और बड़ा हो। बकरी की किस्म में से कुर्बानी करनी है तो बेहतर सिंग वाला मेंढा चितकबरी हो। हदीस में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढे की कुर्बानी की। कुर्बानी के जानवर में हकीकी का हिस्सा भी लिया जा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सारे मसाइल समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।